नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज घोषणा कर दी है कि देश में लॉकडाउन अब 3 मई तक जारी रहेगा। 20 अप्रैल तक लॉकडाउन का पालन बेहद सख्ती से कराया जाएगा। 20 अप्रैल तक जिन इलाकों में कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा वहां लॉकडाउन में थोड़ी राहत देने के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए। लेकिन लॉकडाउन में जिंदगी चलती रहे और कोरोना से जंग भी साथ साथ चलती रहे, इसके लिए पीएम मोदी ने आज 7 मंत्र दिए। हमारे साथ आज योग गुरु बाबा रामदेव होंगे जो आपको बताएंगे कि महामारी से लड़ाई में आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं और सरकारें क्या क्या कर रही हैं। यह बताने के लिए हमारे साथ 4 राज्यों के मंत्री एक साथ आएंगे जो लॉकडाउन के दूसरे चरण का प्लान देश के सामने रखेंगे। राजधानी दिल्ली में एक ही दिन में 350 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। देश भर के 10,000 से ज्यादा कोरोना केसेस में से अब 1,500 दिल्ली के मामले। ऐसे में दिल्ली सरकार की तैयारी क्या है, यह पूछेंगे आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से। यानी एक के बाद एक इतने सारे बड़े मेहमान आज दंगल में हमारे साथ होंगे कि आपको पलक झपकाने का भी वक्त नहीं मिलेगा। तो शुरुआत कर रहे हैं आज दिन भर की कोरोना रिपोर्ट के साथ, उसके बाद चलेंगे बाबा रामदेव के पास। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। लॉकडाउन बढ़ना तो सिर्फ ऐलान की रस्म अदायगी भर थी। देश लॉकडाउन 2.0 के लिए तैयार था, बस इंतजार इस बात का था कि क्या कोई रियायत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन कोई छूट तो नहीं दी, लेकिन 7 दिनों का चैलेंज जरूर दे दिया। 20 अप्रैल तक जो इलाके कोरोना का हॉटस्पॉट बनने से खुद को बचा लेंगे वहां रास्ता खुल सकता है। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। लॉकडाउन बढ़ाने के प्रधानमंत्री के फैसले के बाद ट्रेन, प्लेन, बसें पहले की तरह बंद रहेंगी, फैक्ट्रियां बंद रहेंगी, जरूरी सामानों को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रहेंगी। वैसे कुछ बदलाव भी होंगे, उसकी नई गाइडलाइन बुधवार को जारी हो जाएगी। लेकिन जान बचाने के इस महासंकल्प में देश की बड़ी आबादी जहान बचाने के लिए भी जद्दोजहद कर रही है। वैसे तो 13 अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने 32 करोड़ लोगों को 29,352 करोड़ रुपयों का डायरेक्ट ट्रांसफर किया है। 5.29 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा है। 97.8 लाख मुफ्त गैस सिलेंडर बंटे हैं। 14,946 करोड़ की पीएम किसान की पहली किस्त किसानों को मिल गई है। ऐसी और भी अन्य सरकारी मदद दी गई है, लेकिन फिर भी बड़ी आबादी के सामने मुश्किल खड़ी है, क्योंकि 2018-19 का आर्थिक सर्वे कहता है कि 93% कामगार असंगठित क्षेत्रों में हैं। 11 करोड़ से अधिक खेतियर मजदूर हैं जिन तक पीएम किसान जैसी योजनाएं नहीं पहुंचती हैं। छोटे उद्यमियों के सामने भी संकट होगा, लेकिन प्रधानमंत्री की अपील है कि कोई अपने कर्मचारी को न निकाले। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहद परिवार है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक, इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। हम नई गाइडलाइंस बनाते समय भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है।
इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि कमर्शियल प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का निर्देश वापस लिया जाए, कर्मचारियों की मदद का कोई और तरीका ढूंढा जाए। कांग्रेस के दूसरे नेता भी लॉकडाउन बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। पीएम ने देश को तो सोशल डिस्टेंसिंग मानने का चैलेंज दे दिया, इकोनॉमिक चैलेंज से सरकार कैसे निपटेगी ये सवाल बड़ा है। हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। तो दंगल में सबसे पहले आज हमारे साथ योग गुरु बाबा रामदेव हैं, जो आपको बताएंगे कि लॉकडाउन के इस दौर में घर पर रहते हुए आप इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव, आपका स्वागत है आज तक पर। मैं देख पा रहा हूं आप आसन की मुद्रा में हैं। आप आसन बता सकते हैं वो जिनसे लॉकडाउन में रहते हुए आदमी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, लेकिन पीएम ने तो उसके पहले कह दिया काढ़ा बना के पियो, तो काढ़ा बनाना भी आप ही को सिखाना पड़ेगा। रोहित भाई, पहली बात तो यह है कि पीएम साहब ने तो बोल दिया काढ़ा बना के पियो, काढ़ा किसको क्या पीना है यह तो मुझे बताना पड़ेगा ना। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, पीएम साहब ने जो चार पांच बड़ी बातें कही उनमें से एक था कि बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखें। तो जिन बुजुर्गों को हार्ट की प्रॉब्लम है वे अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के पिए, यह हम अपने यहां पर भी उपलब्ध कराते हैं। अर्जुन के पेड़ की छाल है, इसमें थोड़ा तुलसी डाल दिया, थोड़ा इसके अंदर दालचीनी डाल दी, लौंग डाल दी, और ये काढ़ा पिएंगे तो उनका हार्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि हाई रिस्क जोन में हार्ट वाले हैं। दूसरा, जिनको ब्लड प्रेशर है वो लौकी का जूस पिए, अनुलोम विलोम करें, शीतली शीतकारी भ्रामरी उद्गीत करें, पांच प्राणायाम करें। फिर हाई रिस्क जोन में रहते हैं डायबिटीज वाले, डायबिटीज वाले खीरा करेला टमाटर का जूस पिए और वो गिलोय का काढ़ा पिए। ये गिलोय हमने पूरे देश को बहुत सिखाई है, ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, डायबिटीज से भी बचाती है। बाकी खीरा करेला टमाटर तो मिल ही जाता है, ना भी मिले तो कम से कम वो कपालभाति, अनुलोम विलोम और मंडूकासन, ये तीन अभ्यास भी कर लेते हैं तो जो बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। कपालभाति से पूरा पेनक्रियास से लेकर के पूरा पाचन तंत्र और पूरी बॉडी की इम्यूनिटी भी इससे बूस्ट होती है। अनुलोम विलोम से ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में बढ़ती है, एनर्जी का फ्लो अच्छा रहता है, एक एक सेल के सभी जीन्स क्रोमोसोम से लेकर के पूरा डीएनए पूरा स्ट्रक्चर अच्छा रहता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी पूरी बर्न हो जाती, एनर्जी पूरी मिल जाती है, उससे ग्लूकोज पूरा बर्न हो जाता है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये मंडूकासन, क्योंकि जिनको क्रोनिक डायबिटीज है वो हाई रिस्क जोन में है। तो मंडूकासन में अंगूठे अंदर, अंगुलियां पूरी मुठ्ठियां बंद, ऐसे सांस बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं, आधा से एक मिनट एक एक आसन ऐसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो ये मंडूकासन बहुत इजीली सभी कर सकते हैं, ये पेट और पेनक्रियाज के लिए जबरदस्त है। एक आसन और है बहुत इजी है, वो भी ऐसे लेट करके पैर उठाना। हमने इंटरनेशनल जर्नल में डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं, ये मात्र पांच अभ्यास करके, कपालभाति, अनुलोम विलोम, दो मुख्य रूप से प्राणायाम, मंडूकासन, उत्तान पादासन और ये पवन मुक्तासन, कितना इजी है। इससे पेट और पेनक्रियास दोनों अच्छे हो जाते हैं, श्वास को बाहर छोड़ करके। तो ये पांच अभ्यास सबको ही कर सकते हैं, तो बड़े बुजुर्गों की सेहत का भी ख्याल रहेगा। जिनकी लोह इम्यूनिटी है वो गिलोय का, तुलसी का, काली मिर्च का, हल्दी, अदरक, ये मैंने कितनी बार लोगों को बताया है, लोग अपने घरों में भी रखते हैं तुलसी, अदरक, काली मिर्च, गिलोय, ये काढ़ा बनाकर के पिएंगे, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। ऐसे भी गर्म पानी पीने से सर्दी जुकाम का खतरा नहीं रहेगा। आपके सामने मैं बैठा हूं रोहित भाई, पिछले 40 सालों से न सर्दी, न जुकाम, न बुखार, न बीपी, न शुगर, मैंने अपनी इम्यूनिटी को जब 40 सालों से अच्छा बनाया हुआ है, तो ये 40 दिन का लॉकडाउन देश में चलेगा भी, इस दौरान तो लोग अपनी सेहत को संभाल ही सकते हैं, क्योंकि इस समय डॉक्टर आपको नहीं बचा पाएंगे, हॉस्पिटल नहीं बचा पाएंगे, कोरोना होने पर वो आपकी मदद करेंगे, कुछ प्रोटोकॉल देंगे, लेकिन तब जब बॉडी सपोर्ट करेगी। यदि बॉडी आपकी सपोर्ट नहीं करती तो दुनिया में कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती, इसलिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। और इसके साथ साथ जो है, जो आपसे सेवा बन पाए वो सेवा भी कीजिए, संकट के समय लोगों का साथ मत छोड़िए। तो मोदी जी ने अच्छी बातें कही हैं, और इस समय
मैं स्वयं पतंजलि एज ए संस्था संगठन करीब 2 लाख लोग इस देश की सेवा में, देश के स्वास्थ्य में और समृद्धि में भी करीब 2 लाख लोग पतंजलि के पूरे देश भर में लगे हुए हैं। यह मैं आपको इसलिए भी कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के साथ साथ देश की समृद्धि का अर्थव्यवस्था का भी संकट है। रोहित जी, बाबा रामदेव, एक सवाल यह है कि आप तो 40 साल से योग कर रहे हैं इसलिए आप स्वस्थ रहते हैं, लेकिन कोई आदमी ये सोचे कि वो 40 दिन में योग करके और बाबा रामदेव की तरह चैलेंज कर सकेगा किसी भी बीमारी को, ये संभव नहीं है ना। और बहुत से लोगों को ये लगता है कि बाबा रामदेव टीवी पर बैठकर कोरोना से लड़ने का इलाज बता रहे हैं या कोरोना का इलाज बता रहे हैं, उनको भी तो ये बताना पड़ेगा ना कि ये 4 दिन या 40 दिन का प्रोसेस नहीं है, इसको लंबा करने से ही लाभ होता है। देखो मैं 2 चीजें एक साथ बताना चाहता हूं रोहित भाई, इंस्टेंट बेनिफिट भी होता है। मैंने खुद लैब में अपने आप को एक प्रयोग के लिए डाला। हमारी जो लैब की जो रिसर्च साइंटिस्ट हेड हैं डॉक्टर सरलेट एलिस हैं, उन्होंने जब मैंने पूरा प्राणायाम किया तो मेरा प्राणायाम करने के पहले और बाद में ब्लड लिया, सारे इक्विपमेंट मेरे शरीर पर लगाए और 2 घंटे के अंदर मेरे WBC व्हाइट ब्लड सेल बढ़ गए। तो WBC बढ़ने का मतलब इम्यूनिटी बढ़ना, तो आप 2 घंटे में भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म आप योग करते हैं उसका अलग असर होता है, तो इंस्टेंट इम्यूनिटी बूस्ट होती है डीप ब्रीदिंग करने से। और अब तो जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में जिन डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन के ऊपर रिसर्च किया कि लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, उसको नोबेल पुरस्कार मिला। तो हम इंस्टेंट इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, जब हम कपालभाति करते हैं, जब हम अनुलोम विलोम करते हैं और इंस्टेंट स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, जब हम भ्रामरी ओम, इंस्टेंट बेनिफिट होता है रोहित भाई। ये इसलिए भी मैं इस बात को कहना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं अरे ये तो लंबे समय करने वाली चीज है। ठीक है, लंबे समय करने का अलग फायदा होगा, लेकिन इंस्टेंट भी, कोई आदमी जब जहर खा लेता है तो इंस्टेंट ही मरता है। आज तक साइनाइड खा करके कोई इसका स्वाद नहीं बता पाया है। तो बाकी चीजों का धीरे धीरे लाभ होगा, दूध में हल्दी मिला के पीजिए आप, च्यवनप्राश लीजिए, हाँ तो ये चीजें आप लेंगे तो इनका धीरे धीरे फायदा होगा, लेकिन प्राणायाम का तुरंत फायदा होगा। एक तीसरी चीज जो मैं पूछ रहा हूं, आपने बतौर उद्योगपति एक जिक्र किया अभी, मेरा सवाल यह है कि सरकार इस समय इस बात को लेकर विचार कर रही है कि जान भी और जहान भी, यानी कि अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में भी कुछ कदम बढ़ाया जाए। आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में ये सारी व्यवस्था है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर लें, आपके कामगारों को, मजदूरों को सही तरीके से रख भी लें, उनके खाने पाने की व्यवस्था भी कर लें, और देश को जब जोन्स में बांटा जाए, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, ब्लू जोन, उस स्थिति में बीमारी का ट्रांसफर ना हो, केवल उन्हीं चीजों का हो जिनका आप करना चाहते हैं। देखिए रोहित भाई, ये चुनौती बहुत बड़ी है, और मैंने कहा इस समय करीब 2 लाख लोगों को हमने सेवा में लगाया हुआ, और भगवान की कृपा से सावधानी पूर्वक उन लोगों को हम योग भी बता रहे, इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके भी बता रहे हैं, और लोग से प्रिकॉशन भी ले रहे हैं। तो पूरे पतंजलि के, पूरे रुचि सोया के सारे हमने फैक्ट्रियां, प्रोडक्शन, क्योंकि हम एसेंशियल सर्विस में ही काम करते हैं, एडिबल ऑयल से लेकर के घी तेल से लेकर के जो है बालों के लिए केश कांति, दंत कांति, सारे हैंड सैनिटाइजेशन, आटा, नमक, सब कुछ हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो इसमें चैलेंजेस जरूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन, बहुत ज़्यादा इसमें सावधानियां रख करके ही ये काम आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हाँ, जहां पर कोई भी कोरोना का पेशेंट नहीं, उन इलाकों को सील करके इस काम को करते हैं तो और आसान हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति सब लोगों को तो फैक्ट्री में रख करके सब जगह काम करना मुश्किल होगा, क्योंकि फैक्ट्रियों में रेसिडेंस नहीं बने हुए होते हैं। तो 5-10 लोगों को तो फैक्ट्री में रखा जा सकता है, 1,000-2,000 जहां लोग फैक्ट्री में काम करने के लिए आते हैं उनके लिए बड़ा चैलेंजेज होगा। हमने यहां पर इस तरह की व्यवस्था रखी है कि हम जिन बसों से लोगों को बुलाते हैं उन बसों को सैनिटाइज करते हैं, उनके घरों तक उनको छोड़ते हैं, लेकर के आते हैं, उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह से प्रिकॉशन लेकर के, जिस तरह से हम पिछले 1 महीने से काम कर रहे हैं,
उस तरह से दूसरे लोग भी कर सकते हैं। चैलेंज जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, और देश के लिए चैलेंजों के बीच में ही काम करना यही तो अवसर होता है। जब हम देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उस परीक्षा में हम पास हों, यही तो असली दंगल है। धन्यवाद बाबा रामदेव आज तक पर आने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि घर पर रहकर वो अपनी इम्यूनिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं उस दौर में जब पूरी दुनिया महामारी से लड़ रही है। और अब हमारे साथ हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। स्वागत है मनीष सिसोदिया आपका आज तक पर। लॉकडाउन का दूसरा चरण, 3 मई तक लॉकडाउन, और उसमें भी 7 दिन, बहुत सख्ती वाले 7 दिन प्रधानमंत्री ने जो इशारा दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि अभी और सख्ती की अपने ऊपर जरूरत है हम सबको, क्योंकि कोरोना का खतरा देश में है और अगर उससे बचना है तो फिर अपने ऊपर सख्ती करनी पड़ेगी। यही प्रधानमंत्री चाहते हैं और यही जरूरत भी है इस वक्त की। ये सेल्फ रिस्ट्रेंट की बात लोगों से कही है प्रधानमंत्री ने, या सरकारों को ये मैसेज दिया है कि अब आप लिहाजदारी छोड़ दीजिए, अब आप सीधे मान के चलिए कि जंग के मैदान में खड़े हैं? नहीं, सरकारें तो सब जंग के मैदान में ही खड़ी हैं, लोग भी जंग के मैदान में ही खड़े हैं। एक तरह से लड़ाई है, सब मिलके लड़ रहे हैं। ऑर्डिनरी सिटीजन, व्यवस्था में लगे हुए लोग सब मिलके लड़ रहे हैं। और सरकारों के लिए भी मैसेज है, राज्य सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए, कि जो माहौल पिछले 21 दिन देश में बना के रखा गया उसको अभी आगे कंटिन्यू करने की जरूरत है। इसके सक्सेस भी सामने है, वरना हमारे देश में कितने केसेस होते हैं हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन इसकी सक्सेस है तो अभी इसको और थोड़ा सा कंटेन करके रखेंगे तो शायद हम इससे जीत लेंगे। लेकिन दिल्ली में जैसे ही थोड़ी सी राहत की सांस महसूस होती है, अचानक कुछ नया सामने आ जाता है। एक दिन में 350 केसेस आ गए, आपकी चिंता बढ़ी है कुछ? नहीं, दिल्ली का देखिए, ये 350 केसेस तो हमें पता है कि कहां से आ रहे हैं और उनके सोर्सेज क्या हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये सब टेस्ट कराए हुए थे और अलग अलग हमारे यहाँ हमने क्वारंटाइन करके रखे हुए लोग थे, अलग अलग ऑपरेशंस में निकाले गए लोग थे। लेकिन ओवरऑल मासेस के बीच से ऐसा नहीं आ रहा है, बल्कि इसका उलट है। जहां जहां हमने लॉकडाउन के अंदर भी और सख्ती से ऑपरेशन शील्ड के तहत में इलाकों को सील किया, वहां से बड़े पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। और मैं खुद कल कई जगहों पर ऐसी जगह गया जहां पिछले 15 दिन से, 10 दिन से, 16 दिन से इलाके को और ज्यादा सील करके रखा गया है, और वहां अगर एक केस आया था तो वहां अब वो एक केस भी, वो व्यक्ति भी ठीक होकर हॉस्पिटल में है, वो आने वाला है वापस, लेकिन बाकी भी किसी को नहीं हुआ, उसके परिवार में भी किसी को नहीं हुआ, पूरी सोसाइटी में, पूरी गली में केस नहीं आए। तो ये एक मैसेज देता है कि इसी तरह की सख्ती अभी और जरूरत है, जब तक कि ये कोरोना का जो एक पीरियड है एक तरह से, कि ये आया 14-15 दिन तक हमारे पास रह सकता है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के और उसके आसपास, तो वो निकल ना जाए। मनीष जी, इस समय दिल्ली में 1500 से ज्यादा केस हैं, और देश के वो 10 जिले जो सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित हैं उनमें से एक साउथ दिल्ली भी आता है। मुंबई साउथ डिस्ट्रिक्ट, मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट के बाद 11 अप्रैल तक के जो जिलेवार आंकड़े हैं उनके मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी तरफ दिल्ली में ही दिलशाद गार्डन भी है, जहां पर यह माना जा रहा है कि पिछले 7-8 दिन में कोई नया पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। तो वो दिलशाद गार्डन फॉर्मूला क्या है जिसको आपको लगता है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करेंगे तो बेहतर हो सकती है चीजें? देखिए, मैं एक तो ये कहूंगा कि इतने सारे केसेस की संख्या से दिल्ली में डरने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, कंसर्न सबका है। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली ने दोहरे तरीके से केस बढ़े हैं दिल्ली में। पहली वजह थी दिल्ली में केस बढ़ने की कि ईरान से, इटली से, जर्मनी से, बहुत सारे देशों से जब भारतीयों को लाया गया, अलग अलग शहरों में रहने वाले, अलग अलग राज्यों में रहने वाले, तो मुंबई और दिल्ली दो ऐसे हवाई अड्डे थे जहां पर उनको उतारा गया, और वहां मुंबई में और यहां दिल्ली में हमारे ही हॉस्पिटल्स में, दिल्ली के ही हॉस्पिटल्स में उनको रखा गया, दिल्ली के ही क्वारंटाइन फैसिलिटीज में उनको रखा गया। तो जाहिर है कि जब उनकी गिनती होगी तो दिल्ली में ही होगी, और उनके ऊपर दिल्ली की पूरी टीम लगी, दिल्ली के डॉक्टर्स लगे, दिल्ली सरकार के स्टाफ लगा, तो वो दिल्ली में ही आएंगे। लेकिन हमको वो बहुत दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए नहीं लगते क्योंकि हमको ये पता था कि ये विदेशों से जो लोग आ रहे हैं, एक हवाई जहाज तो पूरी तरह से ऐसा था जिसमें करीब 200 लोग उनको फीवर था उस समय, तो अब वो सब के सब दिल्ली से जनरेटेड नहीं है,
दिल्ली में लाए गए लोग थे, तो ये एक दिल्ली में बड़े, दिल्ली की संख्या को जब आप ऊपर देखते हैं तो दिल्ली में एक बड़ी वजह यह है। स्पेशल ड्राइव चलाए गए कुछ मस्जिद से, कुछ तबलीग से, कुछ और जगहों से, जब लोग निकले तो वहां से भी एक बड़ी संख्या निकली केसेस की। तो ये दो वजह हैं दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या होने की। अदरवाइज दिलशाद गार्डन का आपने मॉडल का जिक्र किया, ये मॉडल अब दिल्ली में 50 जगह पर, आज की तारीख में 50 जगहों पर सक्सेसफुल चल रहा है। इन्हीं में से मैं कल कुछ जगहों पर गया और वहां मैंने जाके लोगों से भी बात की। लोग कह रहे हैं कि सर अगर ये सील नहीं किया जाता इलाका हमारा, हमारे ही घरों से निकलना एकदम बिल्कुल और कहीं और नहीं जाने की पाबंदियां इस तरह की नहीं लगाई जाती तो शायद हमारे मोहल्ले में भी कोरोना फैल जाता, रोक लिया गया है, लोग धन्यवाद दे रहे हैं उसके लिए। टेस्टिंग का स्टेटस क्या है दिल्ली में? आपने कहा कि रैंडम टेस्टिंग करेंगे, अब हो पा रही है कि रैंडम टेस्टिंग? नहीं, रैंडम टेस्टिंग की क्योंकि देश भर में किट्स नहीं मिल पाई इसलिए उसकी शुरुआत नहीं हुई। अभी हमको कुछ किट्स मिली हैं, भारत सरकार लेके आई है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, एक दो दिन में वो शुरू हो जाएंगे क्योंकि रैंडम टेस्टिंग की ट्रेनिंग भी अपने आप में एक टिपिकल प्रोसेस है, वो नॉर्मल PCR टेस्टिंग जो होती है उस तरह से नहीं होती है। पर क्योंकि 16 लाख किट्स का भारत सरकार ने और दिल्ली सरकार ने मिलकर ऑर्डर किया था चाइना को, वो ऑर्डर किसी कारण से उन्होंने फिर वो लोग मेटलाइज नहीं कर पाए, इसलिए देश में किट्स की, रैंडम टेस्टिंग के लिए किट्स की कमी हुई जिसकी वजह से देरी हुई। अदरवाइज जो PCR टेस्टिंग है, जिसको नॉर्मल मतलब डॉक्टर्स की भाषा में PCR टेस्टिंग कहते हैं, रूटीन जो टेस्टिंग, नॉर्मल जो टेस्टिंग हो रही थी पहले से, वो अब हमारे यहाँ बढ़ गई है और हम अब धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ गए हैं टेस्टिंग में। डेली वेजर्स जिनकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है लॉकडाउन का, अब 3 मई तक उनमें बहुत सारे ऐसे तबके के लोग होंगे जिनको ये झेलना पड़ सकता है, उनके लिए कोई खास प्लानिंग है दिल्ली सरकार की? रोहित, ये सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि बहुत सारे एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग हैं जो अपने घर से बैठ के काम कर ले रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ सेविंग्स होंगी उनका काम चल जा रहा है, या फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, दफ्तरों में काम करने वाले रेगुलर लोग सबसे, उनके लिए भी सरकार ने कहा हुआ है कि भाई आप, कंपनियां उनकी तनख्वाहें देंगी, इसलिए उनको भी कम चिंता है। असली चिंता डेली वेजर्स की है, डेली वेजर्स की है। तो उसके लिए जो सरकार का 3-fold प्रोग्राम था कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको 1.5 गुना राशन ऑलमोस्ट दे दिया गया है सबको, जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे ऐसे हमने 10 लाख लोग सोचे थे, इस वक्त हमारे पास 16 लाख एप्लीकेशंस हैं और रोजाना करीब 400 सेंटर्स पे ऐसे लोगों को राशन दिया जा रहा है जो डेली वेजेस थे, उनके पास राशन कार्ड तक नहीं थे, उनके पास में और कोई उस तरह की सुविधाएं नहीं थी। इसके अलावा करीब 9 लाख लोग रोजाना लंच और डिनर कर रहे हैं, तो इस तरह से, और ये तो सरकार की ओर से 9 लाख लंच डिनर कराए जा रहे हैं। मैं जब भी किसी इलाके में जाता हूं देखता हूं कि बहुत सारे NGOs, बहुत सारे लोग जो बड़ा दिल रखते हैं अपने घर से इस समय बना बना के खाना, या अपने घर से आसपास से खाना बनवा के कहीं से कई कई हजार लोगों को खाना बांट रहे हैं। तो मैं समझता हूं दिल्ली में इस वक्त कोई भी व्यक्ति भूखा तो नहीं सो रहा है, ये जरूर हो सकता है कि एक मानसिक तनाव है कि घर पे बैठना पड़ रहा है, मेहनत कश आदमी है, मजदूर आदमी है, मेहनत कश आदमी है, उसको लगता है कि मैं जब 2 वक्त की रोटी मेहनत करके कमाता हूं तो उसमें खून पसीना बहा के निकाल के लाता हूं, वो सुकून अभी किसी के को नहीं मिल रहा है, सबको घर पे बैठना पड़ रहा है या नाइट शेल्टर्स में बैठना पड़ रहा है। धन्यवाद मनीष सिसोदिया आज तक से बात करने के लिए। 3 मंत्री इस समय अलग अलग राज्यों के अब हमारे साथ आ गए हैं। साधु सिंह हमारे साथ आ गए हैं, वो पंजाब सरकार में मंत्री हैं। प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, वो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। और संजय झा हमारे साथ हैं, वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। सबसे पहले प्रताप सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, लॉकडाउन 2.0 जो कि अब 3 मई तक चलेगा, उसमें बड़ी चुनौती पहले 7 दिन की केंद्र सरकार ने सामने रखी है कि हॉटस्पॉट कम किए जाएं, लेकिन जयपुर को लेकर चिंता बढ़ रही होगी आपकी अब। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त पूरा देश जीतना चाहिए और देश की आवाज एक ही थी कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। काफी स्टेट ने पहले लॉकडाउन बढ़ा दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी की लोग इंतजारी कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने भी वही बात कही जो देश की चिंता थी, देश के मुख्यमंत्रियों की, देश की सरकारों की, मीडिया की, आपके चैनल पे भी लगातार चल रहा था, लगभग माना जा रहा था लॉकडाउन बढ़ेगा, हॉटस्पॉट कम हो, हमारे जो मामले पॉजिटिव आ रहे हैं वो कम हो, ये सबकी इच्छा है। इसीलिए बार बार मैं लोगों से कहता हूं ये झूठा पानी पीना बंद कीजिए, हम सबको एक थाली में बैठकर खाना बंद कीजिए, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, रोज हर चैनल पे आप भी रोज दिखाते हैं ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, फिर भी हम
यदि इस बात से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अब तो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा सब जगह से एक ही आवाज है कि भगवान ने कह दिया, तेरा दिमाग काम में ले, साइंस जो कह रही है, डॉक्टर जो कह रहा है, मीडिया जो कह रहा है, उसको मान ले। अब ये केसेस जब लॉकडाउन है, और लॉकडाउन नहीं होता तो क्या हालात होते, लॉकडाउन के बाद भी ये संख्या यदि बढ़ रही है, तो अब ये संख्या मेरा मन कहता है कि 16-17 तारीख तक आते आते कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पूरे देश में हर स्टेट में हर सरकार ने हर व्यक्ति ने लॉकडाउन को, कर्फ्यू को, कोरोना को समझ लिया है कि हम खुद भी मरेंगे, परिवार को भी मारेंगे और पूरे मोहल्ले को भी मारेंगे। सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी, ना तो इस वक्त कोई भी हमें बचाने वाला नहीं है, खुद का दिमाग हमें बचाएगा। भगवान ने बड़ा सुंदर दिमाग दिया, धर्म भी हमको यही समझाता है, नीति सिद्धांत ये कहते हैं कि हम संयम में रहें, कानून का पालन करें। अब लॉकडाउन बढ़ गया, इसमें नो डाउट वो लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो पूरे देश में रसोई चला रहे हैं, किट बांट रहे हैं, सरकार के साथ खड़े होकर, राज्य सरकारों के साथ खड़े होकर, खुद की जान जोखिम में डालकर औरों को रोटी खिलाने जाते हैं, उन सब का भी ये कोरोना वॉरियर्स है, उनका सम्मान होना चाहिए। देश में कहीं भी पुलिस खड़ी है लाठी चलाते हुए तो नजर आती है, लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्या ये वो तो नहीं है जो खाना लेकर जा रहा है, उससे बात करें, उसका सम्मान करें, उसका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि फिर हम 3 मई तक पहुंच गए और ये लड़ाई भगवान करेगा लंबी नहीं जाए, मैं तो बड़ा पॉजिटिव सोच का आदमी हूं, लंबी नहीं जाएगी। जिद हम लोग छोड़ देंगे, बेवजह का अब सोशल मीडिया पे कोई मजाक करता है फालतू की, अब सब कुछ सामने आ गया, जो भी था बार बार जो पीछे छूट रहा है वो छूटता जाए, नया कुछ अच्छा आए, क्योंकि ये सब लोग जो बाहर से आए वो पूरे देश में फैल गए, इस बड़ी तादाद, वो बाहर से जो बीमारी आई उसी बीमारी ने तो सब जगह बीमारी फैलाई है। एक गलती हो गई कि इन सबको यदि हवाई अड्डों से उतरते लॉकडाउन कर दिया जाता, जो आज देश लॉकडाउन हो रहा है, तो इतना नहीं होता, लेकिन अब चलिए वो सब पीछे छूट गया, अब वो बाहर निकल गए, अब लॉकडाउन बढ़ गया है। जयपुर हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, जयपुर में आपको पता है रामगंज में आए दिन पॉजिटिव आ रहे, हमने कर्फ्यू लगा रखा है, पूरी सरकार लड़ रही है, मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, हर मेडिकल स्टाफ लड़ रहा है, सब लड़ रहे हैं, 2400 घंटे यही काम चल रहा है, और मुझे पक्की उम्मीद है कि हम भीलवाड़ा मॉडल पर काम कर रहे हैं, हम 100% ये लड़ाई जीतेंगे। और धीरे धीरे हमें ये पता चल गया, क्वारंटाइन से एक फायदा हो रहा है पूरे देश को, लॉकडाउन से ये सबको पता है कि ये लोग जो क्वारंटाइन में वही लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, नया आदमी नहीं आ रहा, ये लॉकडाउन का फायदा है। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो सब जगह से निकल के आते, अब तो वहीं से निकल कर आ रहे हैं जिनका पता है, ये देख लीजिए हमने इनको इस एरिया को कर्फ्यू लगाया, उस कर्फ्यू एरिया में इस गली में हमने बिल्कुल रोक दिया है, इसको होम आइसोलेशन में ले जाना है, इसको होम आइसोलेशन में रखा, इनमें से इतने लोग आ गए, पूरे देश में ये चल रहा है, मतलब देश ने असली पकड़ कर ली है, जो पूरा देश चाहता था, सरकारें चाहती थी, मेडिकल स्टाफ चाहता था, मीडिया चाहता था, वहां हम पहुंच गए, हमने उनको घेर लिया है, घेरने से अब हम इन बीमार लोगों का इलाज कर पाएंगे, बाकी लोगों को सेफ कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है 20 अप्रैल आते आते एक ऐसा आंकड़ा आएगा जब भगवान कृपा करेंगे और पूरे देश में खुशहाली होगी, ये आंकड़े बिल्कुल कम होने लगेंगे और हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीत लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद। संजय झा जी, इस समय जब हम बात कर रहे हैं 10,000 से ज्यादा मामले इस देश में हो चुके हैं, प्रधानमंत्री ने जिस दिन पहला लॉकडाउन अनाउंस किया था उस दिन 519 मामले थे, आज जब वो दोबारा सामने आए दूसरे लॉकडाउन के बारे में बोलने तो 20 गुना मामले संजय जी बढ़ चुके हैं। क्या हम लोग तैयार हैं आने वाली स्थिति को काबू में करने के लिए? जैसे प्रताप जी कह रहे हैं हमने घेर लिया है, क्या वाकई घेर पाए हम लोग? नहीं, जो दिखता है बिल्कुल, क्योंकि जो एक डेटा आया था कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये संख्या 8 लाख 8.5 लाख जाती है, बड़ा ही रिलायबल डेटा था जो हम लोग देख रहे थे, और एक बार 8.5 लाख जाता तो, और वो जो कहा जाता है कि कम्युनिटी में स्प्रेड कर जाता, तो जो हेल्थ फैसिलिटी वाले जो बड़े कंट्री हैं वो भी नहीं संभाल पाए तो बहुत डिफिकल्ट होता। अब मैं तो पिछली बार भी आपके यहाँ बोला था कि बिहार से बड़ा एग्जाम्पल दूसरा देश में नहीं है, कि बिहार में जितना पॉपुलेशन है और जितने माइग्रेंट्स बाहर से आए थे उसमें आज संख्या हमारी टोटल 66 है और 28 लोग ठीक होकर के भी चले गए। नेपाल से ओपन बॉर्डर है, अभी सील किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग वहां से आते हैं। इसका मतलब इसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। अगर भारत सरकार, प्रधानमंत्री या हमारे मुख्यमंत्री, ये सारे लोग टाइमली एक्शन नहीं लेते तो स्थिति बहुत ही विचित्र हो जाती, और इस टाइमली एक्शन का अब तो कर्व नीचे जाने की स्थिति हो गई है डेफिनेटली 20 तारीख के बाद,
क्योंकि पिछले 24 घंटों में कोई यहाँ भी कोई नहीं आया है नया मैटर। और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि जो एक हमारे यहाँ 3-4 जगह है जो हॉटस्पॉट आप कहते हैं, वो हॉटस्पॉट तो रहा नहीं क्योंकि पिछले 24 घंटे में कोई मैटर आया नहीं। और सिवान में जिस आदमी ने 20-22 लोगों को इन्फेक्ट किया, अब वो आदमी खुद ठीक होकर के चले गए जिन्होंने इन्फेक्ट किया था, गल्फ से आए हुए थे। तो इसका मतलब चीज़ें ट्रैक पे है, चीज़ें सुधर रही है। हाँ, एक समस्या जरूर है कि जो डेली वर्कर हैं उनके लिए हमारे यहाँ क्योंकि बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आया है, तो वो एक समस्या है, उसको जरूर एड्रेस करना चाहिए। जो मैं बोल रहा था कि राइडर के साथ करना चाहिए, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी को देखना चाहिए। जो हमारे यहाँ एक बड़ा एरिया फ्लड में आ जाता है नॉर्थ बिहार का, मई 15-20 मई के बाद, हाँ। वो सारा काम रुका पड़ा है, वो कैसे होगा? तो कुछ चैलेंजेज है, होपफुली 20 के बाद स्थिति बदलनी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री ने कहा है तो बिहार में मुझे नहीं दिखता है कि 20 तारीख के आसपास कोई हॉटस्पॉट इमर्ज करके आएगा, जैसा यहाँ पे सरकार जिस हिसाब से काम कर ठीक है। साधु सिंह जी, असलम शेख महाराष्ट्र से आ गए हमारे साथ, वो भी मंत्री हैं महाराष्ट्र की सरकार में, उनके पास चलेंगे। उसके पहले साधु सिंह जी, आप कैप्टन अमरिंदर ने चौंका दिया सबको, बल्कि डरा दिया ये कहकर कि स्टेज 3 में तो आ चुका है मामला, कम्युनिटी ट्रांसफर होने लगा है अब पंजाब में। तो उस स्थिति में पंजाब की सरकार क्या इमरजेंसी लेवल पे अब काम कर रही है या अभी भी इंतजार कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि कैप्टन अमरिंदर में पूरे देश में जब ये कोरोना का केस आया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे पहले फिक्रमंद थे। उन्होंने पहले लॉकडाउन किया, उसके बाद जब नई कुछ स्थिति लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे तो मजबूरन कर्फ्यू लगाना पड़ा। पहले 2-3 दिन तक लोगों ने कहा कर्फ्यू को लगाया, उसके बाद आज पूरी दुनिया कह रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कदम बहुत अच्छा कदम था, ये होना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरे पंजाब की हर ध्यान रख रहे हैं कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, तहसील में क्या हो रहा है, एक एक रिपोर्ट ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो कर्फ्यू हमने लगाया है सरकार ने, उससे बहुत फर्क पड़ा है। अगर ये कर्फ्यू ना लगता तो लोग इतने, पंजाब के लोग तो इतने गल लग के मिलते हैं, ऐसे खुशियां मनाते हैं, इसका रिजल्ट बहुत मारू होता अगर ये कर्फ्यू ना लगता। फसल कैसे कटेगी? फसल कटेगी, हमने पास अनाउंस किए हैं, जैसे एक खेत में 10 लोग काम करते हैं, 3 लोग काम करेंगे, दूर दूर रहेंगे, और कंबाइन जाएगी, कंबाइन एक ड्राइवर होगा, एक और होंगे, जो कटाई की फसल की जो अनाज है एक साथ रखा जाएगा। मजदूर तो है नहीं साधु सिंह जी, ले जाकर के मंडी में उनका खरीदना सरकार की जिम्मेदारी है, एक एक दाना गेहूं का उनका खरीदना है। जहां 300 मंडियां थी वहां 600 मंडियां साधु सिंह, और जहां लोग 10 एक दुकानदार पे एक आरती पे 10 लोग आते थे, वहां 2 लोग आएंगे, भले 10 दिन का काम 30 दिन पे हो, सुरक्षित होगा, सही ढंग से होगा। असलम शेख, महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है? 20 अप्रैल तक का चैलेंज स्वीकार है आपको कि हॉटस्पॉट कम किए जाएं तो 20 तारीख के बाद थोड़ी रिलैक्सेशन मिल सकती है, और महाराष्ट्र में तो स्थिति और गंभीर है? नहीं, महाराष्ट्र में, मुंबई में स्थिति जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, और वो हमारे यहाँ एक्सपेक्टेड था। मैंने पिछली बारी भी आपको बताया था कि मुंबई जो है वो बहुत बड़ा एक स्लम है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, और यहाँ पे जो घर जो है एक दूसरे से सटे हुए हैं, और कॉमन टॉयलेट है, कॉमन पानी का स्टैंड पोस्ट है, ये एक डिफरेंट ज्योग्राफिकल है पूरे देश का। और इसके अंदर जिस तरीके से हमने उसको पहले से टारगेट बना के रखा था, पहले से हमारे लोगों को हमने वहां पे तुनात रखा था, उसी की वजह से आज देख सकते हैं कि ज्यादा हमने तुरंत ही हॉटस्पॉट ज्यादा क्रिएट किए, कर्फ्यू इम्पोज किए, और जितने जो इंडेक्स है उनके साथ में उनके कॉन्टैक्ट्स को लेके हम बरोबर से कार्रवाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें पेशेंट्स मिल रहे हैं। शुरुआत में हमने शुरुआती दौर से डे 1 से हमारा जो टेस्टिंग था वो ज्यादा नंबर्स में था, लोग समझ रहे हैं कि ज्यादा यहाँ पे जो है पेशेंट्स आ रहे, लेकिन इससे एक अननोन वायरस से लड़ने के लिए हमें टेस्टिंग का ये एक जरिया है। जितना ज्यादा हम कर ले जाएंगे, जितने ज्यादा पेशेंट्स हमारे सामने आएंगे, उतने लोगों को हम सही टाइम पे जो है ठीक करके उनके घर पहुंचा देंगे। लेकिन इसके साथ साथ लोगों की दूसरी समस्या भी है। अब जब लॉकडाउन बढ़ गया, पहले 21 दिन काटने थे, अब उनको लग रहा है 20 दिन और काटने, 21 तो जैसे कैसे काटे, अब 20 और कैसे काटेंगे,
जब नौकरी के ऊपर खतरा है, जब सैलरी के ऊपर खतरा है, जो डेली कमाने वाले हैं उनको तो मालूम है कि उनके पास कोई काम धंधा आगे मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उसका कोई अभी तक सामने समाधान दिखता नहीं है। उन सारी चिंताओं के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो पूरी दुनिया के सामने ये मंजर है और पूरी दुनिया के सामने ये समस्या है, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि मुंबई शहर के अंदर इस तरीके का कोई खेती या इस तरीके की कोई इंडस्ट्रीज तो होती नहीं, लेकिन मुंबई शहर के बाहर जो हमारे ग्रीन जोन थे उनको हमें जो है हमने जो है खोलने का काम किया है। प्लस जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या जो फैक्ट्रीज है जिसके अंदर जो है सोशल डिस्टेंसिंग करके काम हो सकता है, प्लस उनके एम्प्लॉयज को रहने की जगह है, ऐसी जगहों को हमने अनुमति दे दी है। हमारे पास जो पोर्ट्स है, पोर्ट्स को पूरी तरीके से हमने जो है ओपन कर दिया है और उसके अंदर जो है काम ठीक तरीके से चलना शुरू हो गया है। उसके अलावा और ऐसी जो एसेंशियल इंडस्ट्रीज है जहाँ पे हमें सोशल डिस्टेंसिंग रख के जो काम कर सकते हैं उसको अनुमति दी दी है, ताकि इकोनॉमी को भी संभाला जाए और लोगों को जो है वापस जो है काम पे ट्रैक पे लाया जाए। मछुआरों का बहुत बड़ा हमारा पोर्ट है जो मुंबई शहर से लेके कोकण तक जाता है, 720 किलोमीटर का ये समुद्र का किनारा है। हमने तमाम मछुआरों को जो है परवानगी दे दी है कि अब जाके वो मछली ला सकते हैं। अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो बड़े मार्केट हैं वो बड़े मार्केट को किस तरीके से खोला जाए जहाँ पे लोकल बिक्री हो सके, ज्यादा गर्दी ना हो। प्लस एक्सपोर्ट्स के लिए हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से उनका जो ट्रांसपोर्टेशन और उनका जो है फ्रोजिंग का जो है सामान किस तरीके से उपलब्ध किया जाए, ताकि धीमे धीमे जो है वो इसको मतलब इस ट्रैक पर लाया जाए। अभी एकदम से तो खोल नहीं सकते क्योंकि प्रायोरिटी जो है इस वक्त वो है लोगों की जान बचानी है। और जो डेली वेजेस वर्कर है उनको तो राशन शुरू कर दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, प्लस जो माइग्रेंट वर्कर है उनको करीबन जो है 2.25 लाख लोगों को जो है वो कुक फूड मुंबई में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उसके अलावा हमने कई जगह ऐसे आइडेंटिफाई कर ली है जहां पे इस तरीके के वर्कर है लेकिन उनके पास फूड ग्रेन्स नहीं है, सामान नहीं खाने का पहुंच रहा है, तो ऐसे लोगों को करीबन जो है खाना पहुंचाना भी शुरू हो गया है। और इंस्टेंट बेस के ऊपर हमने यहाँ पे एक हेल्पलाइन शुरू करके रखी है कि अगर वहां पे कंप्लेंट आती है तो ऐसे लोगों को जो है खाने की बाकी की देखरेख भी रखी गई है। प्लस हमने 2-3 कैंप इस तरीके से बड़े बड़े बना के रखे जहां हजारों की संख्या में अगर किसी को रहने का या किसी और चीज की तकलीफ होगी तो यहाँ पे आके रह सकते, 2 टाइम का खाना, डॉक्टर और सारी फैसिलिटीज हमने वहां पे उपलब्ध की हुई है। वापस आते हैं आप लोगों के पास और बात करेंगे। 4 राज्यों के मंत्री इस समय हमारे साथ आज तक पर लाइव मौजूद हैं और वो बता रहे हैं उनकी सरकारों के प्लान क्या हैं, लॉकडाउन के दूसरे चरण को कामयाब कैसे बनाएंगे ये करते हुए कि लोगों की जिंदगी पर भी असर ना पड़े। इसी संदर्भ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जानकारी दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। आपको ले चलते हैं, सीधे सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं। मीडिया के अंदर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, ये प्रकृति के खिलाफ है। प्रकृति ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। हमारा देश आगे बढ़ेगा जब ये पांचों उंगलियां एक मुट्ठी की तरह एक साथ काम करेंगी। जो लोग हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं वो केवल प्रकृति के खिलाफ काम नहीं कर रहे, वो भारत के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। सभी धर्म और सभी जातियों के लोग जब मिलके एक साथ एक मुट्ठी की तरह काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी इंसानियत आगे बढ़ेगी, तभी मुल्क आगे बढ़ेगा और तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना के केस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। मैं देख रहा था डेटा, 9 अप्रैल को जैसे केवल 51 केस बढ़े थे, 10 अप्रैल को 183 केस बढ़ गए, 11 अप्रैल को 166 केस बढ़ गए, 13 अप्रैल को कल 356 केस बढ़ गए। ये चिंता का विषय है, खास तौर से आप सबका मुख्यमंत्री होने के नाते, दिल्ली का की जिम्मेदारी होने के नाते मुझे काफ़ी चिंता है इसको लेके। हम सब दिल्ली के लोगों के लिए ये चिंता का विषय है। दिल्ली के ऊपर एक एडिशनल बर्डन हुआ, दिल्ली देश की राजधानी है तो पिछले 2 महीने के अंदर विदेशों से बहुत सारे यात्री आए, वो बॉम्बे भी आए, हैदराबाद भी आए, कलकत्ता भी आए, चेन्नई भी आए, लेकिन दिल्ली में सबसे ज़्यादा आए। और हम देख रहे थे कि किस तरह से दूसरे देशों के अंदर कोरोना फैला हुआ था और वहाँ से अपने देश में आया।
दिल्ली में सबसे ज़्यादा यात्री आए, इसलिए दिल्ली पे थोड़ा ज़्यादा बोझ उसका पड़ा। दिल्ली में एक और घटना घटी मरकज़ की, उसका भी एक एडिशनल बर्डन दिल्ली के ऊपर पड़ा। इन कारणों से दिल्ली के अंदर अभी केस थोड़े ज़्यादा हैं, पर हम सब लोग मिलके इसको संभाल लेंगे, ऐसा मेरा दिल कहता है, ऐसा मुझे विश्वास है। इस स्थिति को हम लोग संभाल लेंगे, अभी तक हमने संभाला, इसको ज़्यादा फैलने नहीं दिया। इतने सारे केसेस आए थे, इतने सारे केसेस हुए थे, इसको हमने ज़्यादा दिल्ली के अंदर फैलने नहीं दिया, और हम सब लोग इसको मिलके संभालेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन को 3 मई तक आगे बढ़ाया है, ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर नहीं बढ़ाते तो फिर कोरोना और ज़्यादा फैल जाता। दिल्ली के अंदर हमें सबका साथ मिला है पिछले कुछ दिनों में, दिल्ली के लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ लॉकडाउन की जो जो शर्तें थी उनका पालन किया है। अब आने वाले समय में भी अगर हमने 2-3 हफ्ते और अच्छे से इसका पालन किया तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमें लॉकडाउन से, हमें कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। पिछले कुछ दिनों में हमने कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं खूब सारे, 47 कंटेनमेंट जोन, मतलब जिस इलाके में 3 या 3 से ज़्यादा कोरोना के मरीज मिलते हैं तो उस पूरे इलाके को हम सील कर देते हैं, उस इलाके के बाहर किसी को नहीं जाने देते और इस इलाके के अंदर किसी को नहीं आने देते, उस इलाके को सारे को सैनिटाइज करते हैं। और भी कई सारे कदम, ऑपरेशन शील्ड वहाँ पे लागू किया जाता है जो बेहद सक्सेसफुल है, ताकि वहाँ पे और कोरोना के पेशेंट ना फैल सकें। पूरी दिल्ली के अंदर सैनिटाइजेशन के लिए 60 मशीनों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनमें से 10 मशीनें हमने जापान से मंगवाई हैं। इसके अलावा 14,000 हमने कोरोना फुट वॉरियर्स की टीम्स बनाई हैं, जो कि पूरी दिल्ली के अंदर घर घर के अंदर जाके, जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन्स है वहाँ पे घर घर में जाके ये कोरोना से के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, सर्वेलेंस करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, कई सारे काम इन 14,000 टीम से करवाए जाएंगे। तो बहुत सारे कदम हम सब लोग मिलके उठा रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, और अगर इस वक्त हम लोगों ने अनुशासन में रह के इस तकलीफ़ का सामना कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हालत बाकी दुनिया के देशों की है ऐसी हालत अपने देश की नहीं होगी और हम कोरोना से मुक्ति पा पाएंगे। कंटेनमेंट जोन्स के अंदर कल मैंने मनीष सिसोदिया जी को भेजा था वहाँ का मुआयना करने के लिए, उन्होंने आके पूरी रिपोर्ट मुझे दी है। कल मैं भी जाऊँगा कुछ कंटेनमेंट जोन्स का मुआयना करने के लिए और देखने के लिए कि सब लोगों को सहूलियत मिल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। और तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लॉकडाउन के दूसरे चरण का, उन्होंने कहा हम स्वागत करते हैं और इसमें हम अपनी तरफ से हर संभव मदद करेंगे, जो बातें केंद्र सरकार ने कही हैं उनका पालन करेंगे। और यह भी कहा उन्होंने कि इस मामले को धार्मिक एंगल से ना देखा जाए, भले ही बहुत सारे केसेस एक ही जगह से निकले होने की वजह से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया झा साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया साधु सिंह जी, आप तीनों का आज दंगल का हिस्सा बनने के लिए और देश के लोगों को ये बताने के लिए कि राज्य सरकारें किस तरीके से लॉकडाउन के दूसरे चरण में नियमों का पालन करते हुए लोगों को सहायता करने की तैयारी कर रही है, उसकी रणनीति बना रही है। छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।